यशयाह अध्याय चार यशयाह अध्याय चार। उस समय सात स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि हम रोटी तो अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव भूषण और महिमा ठहरेगा और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी, और जो कोई सियोन में बचा रहे और जो कोई यरूशलेम में बचा रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को निकाल चुकेगा और यरूशलेम के बीच से खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त विभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा, और दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी पानी और झड़ी के शरण और आड़ के लिए एक तंबू होगा।